सभी लोग एक पेड़ के नीचे शरण लेते हुए, माहौल बहुत ही खुशनुमा है और ओले ही ओले सफेद बिख रहे हैं ओले। चारों ओर बहुत ही कौतूहल का दृश्य है, बच्चे बहुत ही खुश हैं और बहुत ही तेज आंधी के रूप में बरसात हो रही है। इसमें चिड़ियाघर और ओले के साथ में पानी बहुत तेज, बहुत ही इस समय माहौल ऐसा लग रहा है जैसे शिमला का हो और पानी घूम घूम के आ रहा है। ये हम लोगों को छुपने की जो जगह है वो पर्याप्त हो गई है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं और बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। काफी खतरनाक मौसम है इस समय, भयंकर ओले आदृष्टि तो हमने आज तक अपनी जिंदगी में भी नहीं देखी है। वो रब उसमें बैठेगा में लग जाए तो उसकी खोपड़ी सर का फटे है। इतनी तेज ओलावृष्टि हो रही है उसके डर की वजह से ये आपका जो शीतल बिस्तर है असल बाई पर वो बाहर निकल के अपने दिल की तरफ जा रहा है। सांप जीव जंतु सभी भयभीत है, इतनी तेजी से के साथ ओलावृष्टि हो रही है। आपका काला भारतीय काला नाग, आप देख सकते हैं भारतीय काला नाग इस समय अपने आपको बाहर देख रहा है कि बाहर का वातावरण किस तरह का है। बिल्कुल काला सूर्य नाग है और बाहर के वातावरण को देख रहा है। तो इस समय का वातावरण है वो शिमला मसूरी को भी पीछे छोड़ रहा है। चारों ओर धुंध का वातावरण है। चारों ओर धुंध सी छाई हुई है और मुंह से हम लोगों के भाप भी निकलने लगी है। चारों ओर बर्फ की धुंध और मुंह से भी भाप निकल रही है। इस समय अगर हम मुंह खोलते हैं तो भाप ही भाप है, यानी कि गर्मियों में शिमला का आनंद ले रहे हैं। पूरा धुंध का मजा लीजिए भाई, घूमने आए थे सर मुलाते ही ओढ़ले पड़े। कहावत आज बिल्कुल सटीक है, आए थे हम लोग घूमने और इस समय जो आप धुंध देख रहे हैं चारों ओर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, हमारे 4 फुट दूरी पर धुंध ही धुंध है। और ओलों से पेड़ों के हाल देखिए पूरी तरीके से, चारों ओर ओले के ओले पड़े हुए हैं और बड़े बड़े ओले हैं। और ये ओले बड़े बड़े ओले लगभग 100-100 ग्राम के ओले आज गिरे हैं कानपुर में, 100-100 ग्राम के ओले होंगे। और बाहर धुंध का पूरा वातावरण जो है पूरा धुंध का है, पानी अभी भी गिर रहा है। देख भगवान के द्वारा बनाई हुई बर्फ का आनंद लेते हुए जो ये ओलों की बरसात हुई तो भगवान के द्वारा जो बर्फ बनाई गई है उसका आनंद भी हम ही ले लें। और ये फिसलन, इस समय फिसलन बहुत ज़्यादा हो गई है, फिसलन बहुत ज़्यादा है और करीब 100-100 ग्राम के ओलों से पूरे रेलवे ट्रैक जो है पूरा पटा हुआ। ये लगभग 100-100 ग्राम के ओले हैं, 100-100 ग्राम से कम नहीं, ज़्यादा ही है। और आज इन्होंने काफ़ी नुकसान किया होगा, हमारी बाइक भी बाहर खड़ी हुई है, देखना है उसमें कितना नुकसान हुआ। शिमला दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो कानपुर में नहीं, मनाली में है। तो लड़की बगल से कहती है ये शिमला है, तो कहता अच्छा शिमला नंबर 1 पे जा रहा है, कानपुर है मेरी जान। इसमें कानपुर बिल्कुल जो इस समय पर्यटक लोग हैं उनके लिए कानपुर इस समय स्वर्ग है, शिमला है। पूरी मेहनत करते हुए भाई वहाँ से पूरी मेहनत करा रहे हैं लेकिन आनंद भी आ रहा है।
हाँ बिल्कुल आनंद लो। और छोटा माधव बच्चा लगा रहे बेटो, तुम अंदर जाओ। और गर्मी आ गई है हमारे पसीने छूट रहे हैं बरसात में, ठंडी मौसम है। और भाई की मदद करने का मन हो गया कि कर दीजिए, परेशान हो रहे गाड़ी खींच रहे हैं। भाई की तो मजबूरी है, हमने धक्का लगाते तो अकेले आते बेचारे। मीडिया वाले के मेडी बोल बोलते हैं, बोलो मिल गया हम तो धक्का लगा दे रहे, हमें भी मजा आ रहा। क्या दिक्कत है, ज्यादा दूर नहीं है। और लगा के धन्यवाद भैया, आ गए भैया। भाई का रिक्शा हमने उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया, अब अपनी हम तैयारी करते हैं। कभी दोबारा हमें आने का मौका मिलेगा तो इनका ही रिक्शा देखेंगे। ठीक भैया, बाय बाय बाय।